हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एजुकेशन मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो एपी में जो 17 टर्म है वो एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7, ठीक है। और अपन से बोला है कि फाइंड करो कॉमन डिफरेंस, तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है उस तरीके से आप उसको क्वेश्चन में जमा दीजिए। 17 टर्म एपी की 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, क्लियर। 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है। तो 17 टर्म क्या होगी एपी में, जैसे ए 17 है तो इसको हम फॉर्मूले में जमाएंगे क्या आ जाएगा, ये ए प्लस 16d, क्या आ जाएगा, ए प्लस 16d। ए 10 को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d, एक कम कर देते हैं और प्लस में 7, क्लियर। ए से ए बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम साइन के हैं, 16d का 16d, हम इसको ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, 7। तो 16d में से 9d हम माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 7d इक्वल 7, 7 से 7 कैंसिल और d की वैल्यू क्या आ गई, 1। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स its nth term, so that the n plus nth term of the AP is 0। मतलब क्या है क्वेश्चन में कि जो nth term है, nth term का मतलब an, इसका m time मतलब multiply में क्या आएगा, n किसके equal है कि n time its nth term, तो इसकी nth term के किसके equal, nth time के, ये है क्वेश्चन, क्लियर। और हमको शो करना है कि a m प्लस nth टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। मतलब a m प्लस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, ये हमको शो करना है। इसको हम और शॉर्ट लेके फॉर्म लेने फॉर्म में, तो a प्लस n माइनस 1d इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का, तो m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d इक्वल 0, ये हमको शो करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं nth टर्म का, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1d, क्लियर। इसी तरीके से हम an का लगा देते हैं फॉर्मूला, an का क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1d। अब हम m का a में इंटू करते हैं क्या आ जाएगा, m a, m का, अब देखो m का m में करेंगे और d में भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर d, m का 1 में करेंगे और d में भी करेंगे, क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, md, क्लियर। md से कुछ समझना नहीं, इधर n का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, n a, तो n का n में करेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर d में भी होगा तो n स्क्वायर d, n का 1 में करेंगे और d में करेंगे क्या हो जाएगा, md। अब इसको हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, जैसे इधर की जो टर्म है उनको हम इधर ले आते हैं, जैसे a और a वाली टर्म को हम साथ में ले लेते हैं, तो m a इसको इधर लाएंगे किस में आ जाएगा, माइनस में, इसी प्रकार से m स्क्वायर d इसको इधर लाएंगे क्या में आ जाएगा, ये माइनस में md है, ये माइनस का इधर आएगा किस में आ जाएगा, प्लस में, और इक्वल में क्या बचेगा, 0, क्लियर। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, a कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, m माइनस है। हम ये पूरी टर्म में से d तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, मतलब हम d को तो बाहर ले सकते हैं, और साथ में देखिए, चलो ठीक है हम d बाहर ले लेते हैं इधर, तो क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इक्वल 0। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस n, ये d, इतने को आप क्या लिख सकते हो, m माइनस n और m प्लस n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, और इतने में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, इतने में से आप कॉमन निकाल सकते हो 1, तो क्या बचेगा, n माइनस n इक्वल 0। अब आप ध्यान से देखिए, अब देखिए m माइनस n, m माइनस n और m माइनस n कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा अंदर, इधर तो a बचेगा, इधर d और
क्या बचेगा, ब्रैकेट में एम प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज इक्वल जीरो। अब आप इसको आप क्या करिए, जीरो पे आपको पहुंचा दीजिए तो क्या बचेगा, देखिए ए प्लस डी को बाद में लिखना आप, क्या हो चाहिए ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी। और ये फॉर्म देखिए आप, जब इस फॉर्म को आप कंपेयर करोगे एंथ टर्म वाले फॉर्मूले से, एंथ टर्म वाले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ये कौन सी टर्म रहेगी, एम प्लस एन टर्म रहेगी ना। तो हम इधर से क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सी टर्म रहेगी, ए एम प्लस एन टर्म, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। और ये हमको क्या करना था, शो करना था। तो चलिए देखिए जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, मतलब ए फोर प्लस ए एट इक्वल टू कितना दिया है 24, एंड और एक और कंडीशन दी है द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, मतलब ए सिक्स प्लस ए टेन की वैल्यू आपको 44 दी है। तो आपसे पूछा है कि वैल्यू निकालिए फर्स्ट थ्री टर्म की एपी में। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। जैसे ए फोर है तो ए फोर प्लस एट टर्म है तो ए एट इक्वल टू कितना दिया है 24। अब जैसा आपको मालूम है कि ये ए फोर है, इससे कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए प्लस थ्री डी। आप इसको फॉर्मूले में रखकर भी ये निकाल सकते हो, इधर क्या बनेगा ए प्लस सेवन डी इक्वल 24, ए और ए कितने हो जाएंगे 2a, 3a और 7a क्या हो जाएगा 10, 3d और 7d क्या हो जाएगा 10d इक्वल टू 24। आप इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो 2 आप कॉमन मत निकालिए क्योंकि अभी आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे ना सॉल्व, दो इक्वेशन बनेगी तो वो उधर आसान रहेगा। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, a6 प्लस ये क्या हो जाएगा a10 इक्वल टू 44, a6 की वैल्यू क्या होगी बोलिए a प्लस 5d, a 10 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस 9d इक्वल टू 44, a और a कितना हो जाएगा 2a, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14d इक्वल टू 44। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानना है सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना और आप a और d की वैल्यू निकालना। तो देखिए जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हमें दर्ज कर दे रहे हैं कि ये दोनों सेम साइन के हैं तो साइन चेंज करते हैं, माइनस का हो जाएगा, इधर भी ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 में से ये 4 माइनस करेंगे तो माइनस 4 डी आएगा, 24 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 20 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 से 25 टाइम में कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और डी की वैल्यू आप 5 किस में पुट कर देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इधर पर। तो देखिए मैं पुट कर रहा हूँ 2a प्लस, इधर 5 पुट करना आप, 10 इंटू 5 इक्वल 24, ये कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, 50 इक्वल 24, माइनस करना तो कितना आ जाएगा माइनस 26, इससे कैंसिल कर देना 13 टाइम में, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 30। अब आपको क्या निकालना है देखिए ध्यान से, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब फर्स्ट थ्री टर्म ए, ए प्लस बी और ए प्लस टू डी, ये निकालना है। तो ए तो कितना आ गया है फर्स्ट टर्म माइनस 13, इधर पुट कीजिए आप माइनस 13 प्लस 5, इधर पुट कीजिए माइनस 13, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस 13 फर्स्ट टर्म रहेगी, ये कितना हो जाएगा माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा माइनस 3, ये रही आपकी फर्स्ट थ्री टर्म। तो चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, S1, S2 एंड S3 बी द सम ऑफ N2N एंड 3N टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी। और प्रूफ आपको करना है S3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1, तो ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n upon 2 2a plus n minus 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो जिसकी मदद से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए S1 में टर्म क्या है n, तो n upon 2 हो जाएगा ये, तो 2a plus n minus 1 d। अब S2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो n की प्लेस पर हमको क्या रखना है 2n, तो ये क्या हो जाएगा 2n upon 2 2a plus 2n minus 1 d, bracket close, clear। S3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n की प्लेस पर कितना रखना है 3n, तो 3n upon 2 2a plus 3n minus 1 d। तो हम इस क्वेश्चन में RHS से RHS को लेकर चलेंगे और LHS को प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है देखिए, 3 S2 minus S1, क्लियर।
तो ये 3 एज इट इज लिखना है। h2 की प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए 2n अपॉन में 2 ब्रैकेट में, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए 2a प्लस 2n माइनस 1 d, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस s1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे इधर से देखिए n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो हम इधर से क्या कर सकते हैं n अपॉन 2 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, ये n अपॉन 2 ये n अपॉन 2, इसलिए मैंने इस 2 से 2 को कैंसिल नहीं किया था। तो इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 4a, 2 का 2 में कीजिए 4n हो जाएगा और d में मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 4n d हो जाएगा, क्लियर। अब इस 2 का आप 1 में कीजिए 2 हो जाएगा और d में कीजिए क्या हो जाएगा 2d। इधर देखिए आप ध्यान से, अब इधर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2n, कितना हो जाएगा माइनस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस का भी हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में कर दे रहा हूं मैं इसको 3n अपॉन में 2 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस n का d में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस nd और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का d में करेंगे तो d हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इधर ध्यान से 4a में से हम 2a माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, क्लियर। 4nd में से nd माइनस करेंगे तो प्लस 3nd और 2d में से ab माइनस करेंगे तो माइनस d 3n अपॉन में 2 2a इधर से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन d कॉमन ले सकते हैं तो 3n माइनस 1 बचेगा और ध्यान से देखिए किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है s3 की और ये रहा LHS, ठीक है ये रहा लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन का। तो हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस कवर किए हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो 4 मार्क्स के थे, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।